डिफरेंसिस हो सकते हैं, विचार मतभेद हो सकते हैं, उन्होंने गल ना सुनोगे आप मतभेद अगे कि रंग लेंगे। फिर यह मतलब आ नहीं भी उन्होंने नक्सलाइट या अर्बन नक्सल कहो, उन्होंने बिचोलीए कहो, उन्होंने हूलीगंज कहो, आ शोभा नहीं दिता। आओ किसान है जिन्होंने हिंदुस्तान का पेट भरया। पंजाब इज नोन एज अ फूड बाउल ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली द सोल्ड आर्म। असी खड़क पुजा है कि असी फूड बास्केट, ब्रैड बास्केट ऑफ इंडिया इज पंजाब। इतने किसान अगर शाबाशी नहीं दे सकते तो तुम लंच ना लो। मेरी इन्नी बेनती है कि मैं एक बार फिर थोड़े राही पंजाब कन्नियो, पंजाब कांग्रेस कन्नियो प्रधानमंत्री साहब को बेनती करूँगा। प्रधानमंत्री साहब किसानों नाल बैठ के गल करो, उन्हां दा दर्द समझो, उन्हां दी समस्यावां सुनो, उन्हां दे खदशे दूर करो, ते इन्हां कानूनां तों सानू बचाओ। किसान वास्ते पंजाब ने हिम्मत दिखाई है, जिस मनमोहन सिंह जी ने जरूर दिखाई है, इन्हां काले कानूनां दे खिलाफ खड़े होंगे। जिहड़ा एक नॉर्मल प्रोसैस है लोकतंत्र दे, पर मैनू लगता है लोकतंत्र जिस तरह छिकी ते टंगण दा प्रयास किया जा रहा है, हुक्मरान जिहड़े है एक लोकतंत्र दे अंदर जो भी शासक है वो अहंकार का उसके को भी कोई अधिकार नहीं है जी, वो अहंकारी होने अपने खिलाफ जी विरोधी आवाज़ है सुनता जिगरा चाहिए, मादा चाहिए। लोकतंत्र की बुनियाद है डिफरेंस ऑफ ओपीनियन हैज टू एग्जिस्ट। पर जिस किस्म की सोच दिखाई जा रही है भी साढ़े खिलाफ उन्होंने आवाज़ चक्की कि वो जो एटीट्यूड है सबू उस एटीट्यूड को सर छत्तीसगढ़ में पंजाब विधानसभा